नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन बारिश ने डाला खेल में खलल। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी और आखिरकार मैच कितनी देर में शुरू होगा, ये बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में भारतीय टीम ने पहली पारी खेलते हुए 202 रन का टारगेट दिया। वहीं उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने पहली पारी में 229 रन बनाए और ऐसे में साउथ अफ्रीका टीम के पास 27 रनों की बढ़त थी। और फिर उसके बाद भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 266 रन बनाए और ऑल आउट हो गए। ऐसे में साउथ अफ्रीका को 240 रनों का टारगेट मिला। लेकिन तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने 118 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं और ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम को 122 रनों की आवश्यकता है। वहीं भारतीय टीम को 8 विकेट जीत के लिए चाहिए। वैसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार कितनी देर में ये मुकाबला फिर से शुरू होगा। वैसे तो 1:30 से मुकाबला शुरू होता है, लेकिन बारिश के कारण यह मुकाबला 3:30 या फिर 4 बजे से खेला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज का यह मुकाबला हो पाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।